मैं लाता हूँ आपके लिए मोबाइल अनबॉक्सिंग एंड मोबाइल सेटिंग सिर्फ YouTube पर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो हम आपको ले जाएंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दोस्तों मेरा नाम है उस्मान अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। दोस्तों अगर आप करते हैं हवावे का मोबाइल यूज़, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल अक्सर टूट जाता है, गिर जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, अक्सर हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, या हम अपना मोबाइल न्यू लेते हैं, मोबाइल हवावे का ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और मैसेज होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अगर हमारा मोबाइल गिर जाता है तो हमारे वो सब कुछ ज़ाया होते हैं, ठीक है। अगर हम अपना मोबाइल चेंज करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वही मैसेज जो थे, वही नंबर थे, वो सेम दूसरे मोबाइल में वैसे ही आ जाए, इसलिए हवावे ने इसमें एक आईडी दी है, हवावे आईडी जिसे कहते हैं, हवावे क्लाउड कहते हैं। उसका मैं आज आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि आप वो अकाउंट बना के अपना डाटा उसमें कैसे सेव करते हैं, SMS नंबर जो उसमें आपने नोट पैड होते हैं वो कैसे सेव करते हैं, जब आप दूसरा मोबाइल लेंगे आप उसमें वही सिंपली सी आईडी लगा के वो कैसे कर सकते हैं। ये आईडी मैं आपको जीमेल से नहीं बनाना सिखाऊंगा, ये मैं आईडी आपको आपके मोबाइल नंबर से बताऊंगा कि आप ये आईडी अपने मोबाइल नंबर से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे ये होगा मेरी लेटेस्ट वाली जो वीडियो करेगी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास है हवावे का मोबाइल, मैं इसका लॉक ऑन कर लेता हूँ। लॉक ऑन करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं हाई क्लाउड, तो आगे है जी हवावे आईडी, एच क्लाउड के नीचे आप देखते हैं हवावे आईडी, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं इस पर अपना न्यू अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, जीमेल का मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं अपने नंबर से बना लूँगा। इसमें मैं रजिस्टर पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री रीजन, आपने ये कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान कर लूँगा। तो दोस्तों पाकिस्तान करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, एग्री कर देना है। तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो मैं इस पे अपना वो मोबाइल नंबर देने लगा हूँ 03 11 61 0 65 11। दोस्तों मैं डन कर देता हूँ, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये वाला मेरे मोबाइल जो मैं इस पे नंबर दिया, इस पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा हवावे की तरफ से, जो मेरे मोबाइल में मैसेज में आएगा। दोस्तों हवावे का ये कोड मेरे मोबाइल में आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन कोड आया, जो मैं ये वाला कोड इसमें लगाऊँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हम आपसे पूछा है कि आप यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करें, कौन सा पासवर्ड लगाना है आपने, तो मैं अभी इधर पासवर्ड लगाने लगा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पासवर्ड फिट कर लिया है। पासवर्ड में आपने ये लगाना है, अपना पहला डिजिट होगा वो आपने वो बड़ा लगाना है, कैपिटल लगाना है, फिर ही पासवर्ड होगा, और इसमें एक नंबर का हिस्सा लगाना है। मैं अब नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरी यहाँ पर हवावे आईडी जो है वो रजिस्टर हो रही है, तो थोड़ा प्लीज़ वेट कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मेरी हवावे आईडी रजिस्टर हो चुकी है, ये मेरे मोबाइल नंबर पर हुई है। मैं बैग चले जाता हूँ, बैग जाने के बाद हवावे आईडी में जाता हूँ, हवावे आईडी बैक एच क्लाउड, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, एग्री कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इसमें आप अपना सारा डाटा इसमें आप कर सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एच क्लाउड में जाना है, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, वाईफाई का जो कोड होते हैं वो वाले, और आप इसमें नोट्स, मोर में चल जाते हैं, मोर में इसमें आप्स, ऐप्स जो आपने इसमें मोबाइल में की होती है ऐप्स का डाटा वो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं हवावे मोबाइल में। आज मैंने आपको दिखाई है हवावे की आईडी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।